पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, जो एक्चुअल अच्छे कॉइन्स हैं जिनके पीछे कुछ ना कुछ रियल एसेट्स भी हैं, वो हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी, लेकिन आज मैं एक नई लिस्ट लेकर आया हूं जिसमें टोटल 5 कॉइन्स हम डिस्कस करने वाले हैं। और उन्हीं में से एक एक ऐसा कॉइन भी है जो अभी लिस्ट होना बाकी है, अनलिस्ट होने पर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है और इसको आप ऑलरेडी एयर ड्रॉप के द्वारा भी ग्रैब कर सकते हो। तो पहले भी मैं आपके साथ काफ़ी सारे ऐसे कॉइन्स ही शेयर करता हूँ हमारी लास्ट जितने वीडियोस आप देखोगे जो अभी लिस्ट होने बाकी हैं, जैसे कि अगर हम बाइनेंस लॉन्च पूल की बात करें या फिर उससे पहले हमने ग्राम कॉइन की बात करी थी जो कि टॉन ब्लॉकचेन के ऊपर था। तो ऐसे में आपके साथ वही कॉइन शेयर करता हूँ जो या तो अभी पंप होने बाकी है या फिर जिनकी लिस्टिंग्स भी अभी बाकी है। तो वीडियो पूरा देख रहना, अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो वॉफ्टेड की हमारी अपडेट्स टेलीग्राम के ऊपर आपको हमेशा मिलने वाली है, वॉफ्टेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहां पे मैं हर एक अपडेट पहले डालता हूं। जैसे कि CHO की अपडेट आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, इसकी और भी ज्यादा डिटेल आपको शेयर करने वाला हूं। तो CHO ऑलरेडी बता देता हूं कि CHO अभी अवेलेबल है MEX एक्सचेंज के ऊपर, तो वहां पे जाके आप ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा जो वीडियो ये RW कॉइंस के बारे में, तो ये मैं इसकी अपडेट आपको वहां पे भी देने वाला हूं, तो हमेशा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखें। तो हमारी लिस्ट में जो कॉइंस है टोटल 5 कॉइंस हैं और इनकी जो वैल्यू है ये $1 से नीचे है, इवन मैं कह सकता हूँ कि ये कि आधा डॉलर से भी नीचे चल रही है। तो इन्हीं में से एक ऐसा कॉइन भी है जो अभी लिस्ट होना भी बाकी है, जो आपको एयर ड्रॉप्स भी यहाँ पे मिलने वाले, बहुत कुछ मिलने वाले। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कॉइन की बात करें तो इसकी वैल्यू अभी $0.24 के आसपास चल रही है। ये है LTO यानी कि LTO नेटवर्क। इसकी मैक्सिमम वैल्यू $0.9 के आसपास गई थी, यानी कि इसने $1 क्रॉस नहीं किया, जो कि 3 सालों में गई है, और हाईएस्ट वैल्यू ये 2021 में ही गई थी, और अभी इसकी वैल्यू बहुत कम चल रही है। एंड आई एक्सपेक्ट कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें इसी में एक्सपेक्टेड है कि अभी ये जो मार्केट बुलिश होती जा रही है इससे हमें सबसे बड़ा प्रॉफिट उन्हीं में मिलने वाला है जो 2021 में अच्छा परफॉर्म किए थे और अभी फिर से इनको मौका मिलने वाला है। दूसरे कॉइन की बात करें तो यह पॉलीमैथ जो है, पॉली के नाम से कॉइन, इसकी वैल्यू $0.09 के आसपास चल रही है, यानी कि 10 सेंट के आसपास इसकी वैल्यू चल रही है। तो अगेन आपको बता रहा हूँ कि हम वही कॉइन सेलेक्ट करने वाले हैं जिनकी वैल्यू $1 से नीचे है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नीचे होगी तभी हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर मार्केट कैप या फिर वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच चुकी है या फिर सैचुरेशन पॉइंट तक पहुँच चुकी है तो इसमें हमें खास प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो 2018 में इसका ऑल टाइम हाई गया था जो कि $1.6 के आसपास गया था, एंड दैट्स द बिगेस्ट रीजन कि मैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो पॉलीमैश, पॉलीमैथ, यहाँ पे पॉली एक्स, काफ़ी सारे कॉइन्स हैं लेकिन बहुत ही लिमिटेड कॉइन्स हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो उनमें से एक आप ये कॉइन भी ले सकते हैं। तीसरा कॉइन जो हमारा ये है ऑपोल के नाम से, जो कि $0.2 के आसपास चल रहा है अभी, तो इसका जो ऑल टाइम हाई है ये भी $7.5 तक गया था। आप बिलीव नहीं करोगे 2021 में इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू ऊपर गई थी, लेकिन अभी इसकी वैल्यू सिर्फ 20 सेंट के आसपास ही चल रही है। तो ये बिल्कुल सही मौका है इसको ग्रैब करने का, अभी आप बाय कर लोगे तो आपको आने वाले समय में एक बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है डेफिनेटली। एंड मार्केट कैप इसका $69 मिलियन के आसपास चल रहा है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप भी हमें मिल सकता है। फोर्थ कॉइन हमारा है CFG के नाम से, सेंट्रीफ्यूज के नाम से, तो इसकी वैल्यू $0.8 के आसपास चल रही है, यानी कि 80 सेंट के आसपास चल रही है। अगेन इसका जो मार्केट कैप है $400 मिलियन के आसपास चल रहा है, यानी कि $1 बिलियन तक नहीं पहुंचा, और इसका जो वॉल्यूम है 24 आवर्स का ये भी लो चल रहा है, लेकिन फंडामेंटली देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। वैल्यू इसकी $2.5 से भी ऊपर गई है जो कि 2021 में गई थी। तो रियल वर्ल्ड एसेट्स पहले भी चले थे लेकिन अभी भी गवर्नमेंट की जो सेप्टेबिलिटी है वो रियल वर्ल्ड एसेट्स के साथ ही है, जिस कारण अभी रियल वर्ल्ड एसेट्स ही चलने वाले हैं। तो सेंट्रीफ्यूज जो कि CFG के नाम से, इसको भी आप बाय कर सकते हैं, एंड अभी ये बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड नहीं है, जिस कारण मैं यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके आने वाले समय में लिस्टिंग जो बाइनेंस के ऊपर होगी तो एक बड़ा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। अब हम पाँचवें सबसे बड़े कॉइन के बारे में बात करने वाले, जो अगेन मैं आपको बताया था कि ये अभी कॉइन लिस्ट होना बाकी है, तो ये है ईजी के नाम से। तो ईजी को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो ईजी का जो 3 मंथ का टेस्टनेट की वैल्यू यहाँ पे वॉलेट्स में पहुँच चुकी थी 197 मिलियन से भी ऊपर, और यहाँ पे जो TVF है $650 मिलियन से भी ऊपर गए, जिस कारण अभी फाइनली ये अपना मेननेट लॉन्च करने वाले हैं और साथ ही साथ ये अपना ईजी टोकन का एयरड्रॉप देने वाले जो कि ESE के नाम से है। तो ये जो एयरड्रॉप है ये डिपेंड करने वाला आपके पॉइंट्स के ऊपर कि आप कितने ज़्यादा अपने पॉइंट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे चैलेंजेस काफ़ी सारे मिलने वाले हैं आपको, काफ़ी सारे तरीके मिलने वाले हैं, अपने चैलेंजेस कंप्लीट करने हैं। चैलेंज आपके यहाँ पे 7 लेवल्स होने वाले हैं, जैसे ही आप कंप्लीट करते जाओगे आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो मेन कंट्रीब्यूशन रहने वाला है ये प्लेटफॉर्म की तरफ ही रहने वाला है, यानी कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाते हो, लिस्टिंग करते हो, सेलिंग करते हो, बाइंग करते हो, इससे आपके जो पॉइंट्स बढ़ने वाले हैं और आपका रिवॉर्ड भी बढ़ने वाला है। तो आपको एक बार बता दूँ कि पहले भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं या फिर ऐसी नई ब्लॉकचेन्स आई हैं, अगर हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं चाहे एयरड्रॉप के लिए, चाहे वैसे भी अगर हम उनके ऊपर स्वैप करते हैं या फिर किसी तरीके की ट्रेडिंग करते हैं, तो उससे हमारा जो एक्चुअल
पार्टिसिपेशन है नए ब्लॉकचेन के ऊपर हो जाता है, और ये एयरड्रॉप हमें हमेशा मिलता रहता है, जो कि आने वाले समय में भी मिलता ही रहता है, क्योंकि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है उसी ब्लॉकचेन के ऊपर या फिर नया कॉइन आता है, एयरड्रॉप्स आते हैं, तो वो हमें ईजिली मिल जाते हैं क्योंकि हमारी पार्टिसिपेशन पहले ही काउंट हो चुकी होती है। तो यहाँ पे आप अपनी पार्टिसिपेशन को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके, कि अगर वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो उससे आपके रिवॉर्ड्स भी बढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले भी हमने ब्लास्ट प्रोजेक्ट की बात करी थी। ब्लास्ट अपने आप में एक ब्लॉकचेन है जो कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ब्लॉकचेन है, एंड उसके ऊपर भी मैंने आपको यही बताया था कि वहाँ पे आप ऑलरेडी अपना जो पार्टिसिपेशन है कर सकते हैं, जिससे आपके जितने ज़्यादा पॉइंट्स बढ़ेंगे। तो वो ब्लिट्स की हम बात कर रहे थे, जो कि एक डेक्स था, उससे हमें पॉइंट्स बढ़ाने के साथ साथ एक बढ़िया प्रॉफिट भी मिल रहा था। लेकिन आज की हम जो बात करने वाले हैं ये इजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो RWAs जो कॉइन है, RW यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट्स जो ब्लास्ट के ऊपर आ रहे हैं, ये मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में से एक है। तो इजी के साथ क्या है कि यहाँ पे एडिशनल लिक्विडिटी मिल रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है मार्केट में, और वेब थ्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो $4 मिलियन से भी ज़्यादा इन्होंने रेज किया है एनिमोका ब्रांड के द्वारा, 7x वेंचर्स के द्वारा। काफ़ी सारे वेंचर्स हैं, कैपिटल कंपनीज हैं जो इनको कैपिटल प्रोवाइड कर रही हैं। इससे पहले भी इनके पास काफ़ी सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स आई हैं और सक्सेसफुल टोकन लॉन्च भी हुए हैं, जो कि एनिमोका ब्रांड ने जहां पे भी अपना हाथ रखा है वो प्रोजेक्ट हमेशा अच्छा परफॉर्म किया ही किया है, जिस कारण मैं इस प्रोजेक्ट में भी पूरा बिलीव कर रहा हूं कि यहां भी हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो अगर आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो इस सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने डिजिटल एसेट्स को अगर आप सेल करते हो तो सेल से ही आप यहां पे अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हो। और अगर आप किसी भी डिजिटल वैल्यू एसेट्स को बाय करना चाहते हैं, अगर आप उसको पूरा बाय नहीं कर सकते तो उसका फ्रैक्शन से मैं बाय कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे इजी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आपको पता होगा क्रिप्टो पंक जैसे काफ़ी सारे NFTs पहले आए थे, अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो अब आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला। आप यहाँ पे NFTs को ईजिली बाय एंड सेल कर पाओगे, ऐसे NFTs जिनकी बहुत ऊपर वैल्यू जाने वाली है। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आओगे, यहाँ पे आप NFTs देख सकते हो, इसमें टोकन्स भी हैं, इसी के साथ रियल वर्ल्ड एसेट्स भी हैं। इससे पहले बोर्ड एप यॉट क्लब के जो NFTs आए थे तो वो उनकी जो वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, तो उसमें भी आप फ्रैक्शंस में बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे टिकट्स आपको मिल सकती हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी है, एक बिल्कुल नई चीज़ मिली है, यूनिक है, जो है लॉन्च पैड IRO यानी कि इनिशियल रेफरल ऑफरिंग, जो हमने पहले कभी भी नहीं देखा है, जिसमें अफोर्डेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इजी है, पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा इजी है और विनर्स भी ज़्यादा रहते हैं। यानी कि अगर हम बाकी लॉन्च पैड्स के ऊपर जाते हैं तो हमें जो रिवॉर्ड मिलता है या फिर हम किसी आईडी में पार्टिसिपेट करते हैं बहुत कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ी वैल्यू हमें मिल सकती है। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना, बस ईजिली आपने पार्टिसिपेट करने के लिए टिकट बाय करनी है और उससे आपकी जो एलोकेशन है वो आपको गारंटेड हो जाएगी। जैसे कि अगर आप 10 टिकट्स बाय करते हैं $10 की ईच, तो आपको 4 टिकट मिलती हैं $5 के एलोकेशन की, 2 टिकट मिलती हैं $10 के एलोकेशन की, 2 मिलती हैं $20 के एलोकेशन की, 1 मिलती है $100 के एलोकेशन की। तो इस तरीके से रैंडमली आपको यहाँ पे टिकट्स मिलने वाली हैं। तो अगर यहाँ पे एलोकेशन के हिसाब से अगर आपको कोई भी कॉइन मिल जाता है तो ऑलरेडी वो 10x 100x तक भी चला जाता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो तो ईजिली, जो आपका अमाउंट लगा था या फिर जो भी आपको आपने वैल्यू लगाई थी वो तो ईजिली कवर हो ही जाएगी। इसी के साथ प्रॉफिट भी बहुत बड़ा आपको मिल जाता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, अपनी टिकट्स बाय करें और उसके बाद वेट करो कि आपको जो एलोकेशन मिलने वाली है उसके साथ आप इजीली फिर आप ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो पार्टिसिपेट अगर आप करना चाहते हैं इजी लॉन्च पैड के ऊपर, आपको KYC करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपने KYC ज़रूर करनी है, तभी आपको यहाँ पे एयरड्रॉप्स एंड एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स मिलने वाले। तो आपको पहले बताया, जब भी नया प्रोजेक्ट आता है, ब्लॉकचेन आती है, उसके ऊपर पार्टिसिपेट करो, डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्रॉफिट सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले समय में भी मिलता रहता है। और ये ब्लास्ट नेटवर्क के ऊपर आपको बताया था कि ब्लास्ट एक बिल्कुल नए तरह का ब्लॉकचेन है, टोटली डिफरेंट है, तो इसके ऊपर हमारी पार्टिसिपेशन हो जाएगी, इंटरेक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आपके जो स्नैपशॉट्स लिए जाएंगे, तो अगर आप फार्मिंग करते हो तो आपके यहाँ पे स्नैपशॉट्स लिए जाएंगे, जिससे आपको इजी का एयरड्रॉप मिलने वाला है और ब्लास्ट गोल्ड भी मिलने वाला है, जो कि फ्यूचर अवार्ड्स के लिए ब्लास्ट नेटवर्क के ऊपर। तो आप अभी प्लेटफॉर्म को विजिट कर सकते हैं और अपनी फेज़ वन चल रहा है तो यहाँ पे फेज़ वन में पार्टिसिपेट करें। आने वाले समय में भी और भी ज़्यादा फेजेस आने वाले हैं जिसमें आप यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमेशा करते रहें, चाहे वो NFTs में हो, चाहे वो आप स्वैपिंग कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, जिससे क्या है कि आपके पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे और आपका उतना ही ज़्यादा इजी कॉइन के एयरड्रॉप्स ही मिलने वाले हैं। तो ये थे हमारे 5 प्रोजेक्ट्स, लास्ट जो प्रोजेक्ट अभी लिस्ट होना बाकी है, मैंने आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया, लेकिन लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इजीली यहाँ पे इसको ट्रैक कर पाओ। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, लेकिन कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट जरूर करें एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।